गया में जाकर लोग पितृपक्ष मनाएगा। इसलिए बोध गलत होता जा रहा है, सही शब्द बोध हो जाए कि जब तक माता पिता जिंदा हैं हर संभव सेवा दबा हवा करो, ये तुम्हारी कृतज्ञता है। शरीर छूट जाए उसके लिए अब कोई क्रिया अवशिष्ट नहीं है, लेकिन बोध हो गया गलत। जब उसने तीसरा प्रश्न किया कि जो मर गया उसके लिए काम कैसा करें, कहता उसके लिए पिंडदान करो। कहा बाबा समझ में नहीं आती है कि मर गया तो कहाँ गया, पिंडदान कैसे करेंगे। कहा नियमानुसार पिताजी तुम्हारे मरे हैं तो अपने कर्म के अनुसार बैल भी हो सकते हैं। कहा कहाँ होंगे, कहे बिहार में हो जाएंगे जा करके। कहता उसके लिए पिंडदान कैसे करेंगे। कहा अवध में या वृंदावन में तुम्हारे पिताजी मर गए और जाकर के बिहार में बैल हो गए, तुम अपने पंडित जी को पुरोहित जी को अरवा चावल राहर के दाल थोड़ा हो सके तो घी मसाला सब दो और तुम्हारे बाप को वहां सम और घास होकर के चावल मिल जाएगा। इतना उल्टा सीधा शब्द बोध हो जाएगा तो भ्रम काहे नहीं फैलेगा समाज में। इस सारे कर्मकांड क्यों नहीं चलते रहेंगे। आज जो इतनी विकृतियां हमारे यहां है शब्द बोध बिगड़ते जा रहे हैं। अव्यवस्थित दिल दिमाग का आदमी भी शब्द बोध करने लगता है। एक दिन मैं देखा क्या सुना कानों से, मेरे ही आश्रम में शाम को रामायण पाठ हो रहा था, कर रहा था आदमी। एक आदमी रामायण की कथा कहते कहते प्रसंग आया ऐसा कि गरु सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवही जाही, उसका उभास कर रहा था, टीका करके लोगों को सुना रहा था। ऐसी विलक्षण टीका उसने की कि गरु सुमेरु रेणु समताही, गरु माने धूल कण। हमने कहा हद हो गया, कहां कहां तो यह ज्ञान जाएगा भाई। दर्जनों आदमी उसकी कथा को सुन रहे हैं, वो कहते हैं गरु सुमेरु रेणु समताही, का हल्की जो धूली उसका जो कण है उसको उसने कहा पहाड़, असुमेरु कहा धूली, राम कृपा करी चितवाही जाही। अगर इसी तरह का कोई भाष्य करने वाला हो, टीका करने वाला हो, जो अनाप शनाप पद का अर्थ कर दे, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा उसका अर्थ करते हैं लोग कि पूजिए विप्रशील गुणहीना अशूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ज्ञान गुणहीन हो तो भी विप्र पूज्य है, अज्ञान गुण संपन्न हो तो भी शूद्र अपूज्य है। उसका इतना तोड़ मरोड़ करके अर्थ कर रहा था वो, जो ये सिद्ध करना चाहता था कि ज्ञान गुण संपन्न जो विप्र है उसकी पूजा करो, उल्टा सीधा अर्थ कर रहा था। हमने कहा तुम्हारा अर्थ है, तुलसीदास जी की चौपाई लिखने का अभिप्राय नहीं था, ग्रंथ की हत्या मत करो। तुम्हारी सुधारवादी अर्थ से ग्रंथ की हत्या हो रही है। तुलसीदास जी ने जिस भाव से पद की रचना की है उस पद की रचना उसी रूप से करो, चाहे तुलसीदास जी पूजे जाएं चाहे फेंके जाएं। ग्रंथों की जो टीका होती है वो भी बहुत, एक आदमी अर्थ कर रहा था ब्राह्मणों अस्य मुखम आसिद बाहु राजन्य कृतः उरुत दस जद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, अर्थ कर रहा था ये विराट भगवान है उसका मुख रूप ब्राह्मण है, बाह रूप क्षत्रिय है, जांघ या पेट रूप वैश्य है, पैर रूप शूद्र है।
हमके यहां तक तो हो जाएगा, ब्राह्मणों अस्यमुखम आसीत बाहु राजन्य कृत, इसका क्या अर्थ होगा? उदवैश्य और पदभ्याम शूद्रो अजायत, इसका अर्थ क्या होगा? पदभ्याम शूद्रो अजायत, जिसका अनुवाद श्रीमद् भागवत में हुआ है, विप्र क्षत्रिय बिट शूद्राम मुखाद बाहु रूपादजा, इसका क्या अर्थ होगा? श्रीमद् भागवत में आया कि विप्र क्षत्रिय बिट शूद्राम, विप्र ब्राह्मण क्षत्रिय अबीट कहते हैं वैश्य को, विप्र क्षत्रिय बिट शूद्राम कैसे? तो मुखात, मुख से कर्मशः, बाहु बाहु से, उरो पेट से और पैर से, उस विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण आया, इस छत्री से बाह से क्षत्रिय आया, पेट या जांग से वैश्य आया और पैर से बेचारा लतखोड़ी लाल शूद्र आया।